जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में और उसके आते हुए अपने कारकुनों को कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना, बाखुदा एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवा कर, इसराइल से मंगवा कर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता, तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं, चे नस्बत खाक राब आलम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज ही नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो छापर में हो, फिर भी वो हर गोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो गज़वाए उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वाए उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूं, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। मैंने कहा इसलिए कि हम टच वाले तो हैं नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तेकामत की बात हुई।